हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे फ्री लीगल हेल्प ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो केस है वो फ्री में कोई एडवोकेट लड़े, तो उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किन किन केस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो और उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, ये सारी जो बातें हैं मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सभी कमेंट के आंसर करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में हम सभी को बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं और उन्हीं में से एक अधिकार की मैं बात कर रही हूँ। आर्टिकल 39A के तहत सभी नागरिकों को एक अधिकार है कि आप अपने लिए जो फ्री एडवोकेट है वो मांग सकते हैं, जो आपके लिए केस लड़ता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम नालसा भी बोलते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय विधिक सेवा केंद्र, जिसके तहत हमें एक फ्री में जो एडवोकेट दिया जाता है जो कि हमारी जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ता है। और ये जो है इसमें हमें कोई पैसा नहीं देना होता है और आप इसमें अप्लाई कीजिए, आपको एक मुफ्त में वकील मिलता है जो आपका जो केस है वो आपके लिए लड़ता है। तो सबसे पहले मैं उन केसों के बारे में बता देती हूँ जिन केसों के बारे में यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उन केस में आपको नॉर्मल ही वकील आपका करना पड़ेगा जो आपके लिए केस लड़ेगा, उसमें आपको फ्री लीगल हेल्प नहीं मिल सकती। अगर आपने किसी के ऊपर मानहानि का केस किया है, किसी से बदला लेना है, किसी पे इल्जाम लगाया है, तो वो केस लेकर आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। उस केस में आपको कोई फ्री लीगल एडवाइस नहीं मिलेगी, आपको कोई लॉयर नहीं दिया जाएगा। दूसरा आता है कोई भी चुनाव संबंधी जो केस होगा वो आप यहाँ पर नहीं ले जा सकते, उस केस में भी आपको अपना वकील करना पड़ेगा और तब आप वो केस लड़ सकते हैं। चुनाव संबंधी कोई भी केस फ्री लीगल एडवाइस के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते। तीसरा, कोई भी केस जिसमें दंड जो है 50 रुपए से कम है उसको भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको फ्री में जो एडवोकेट है वो नहीं मिलेगा। चौथा, आर्थिक या सामाजिक तौर पर आप जो कानून के खिलाफ केस लड़ रहे हैं उसमें आपको फ्री लीगल एडवाइस नहीं मिलेगी, आपको कोई लॉयर नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके जो पैसे हैं एटीएम से पैसे चोरी हुए हैं, आपके बैंक अकाउंट से इलीगल तरीके से पैसे कट चुके हैं, उस केस में आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब जानते हैं कौन कौन से लोग नालसा के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं फ्री एडवोकेट के लिए। पहला, कोई भी केस जो महिला और बच्चे से संबंधित है वो केस यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है, उसे में आप हेल्प के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर फ्री लीगल एडवाइस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, वो लोग जिनकी जो एनुअल इनकम है 1 लाख से कम है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें वहां पर फ्री में एडवोकेट मिल सकता है। और उसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो देना होता है। चौथा, जो भी कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल है उनके लिए हेल्प यहाँ पर मिल सकती है। पांचवा, जो मजदूर कैटेगरी में आते हैं उन्हें यहाँ पर फ्री लीगल एडवाइस जो है मिल सकती है। छठा, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हैं वो यहाँ पर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें फ्री में जो लॉयर है वो दिया जाता है। सातवा, अगर आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं, बाढ़, भूकंप, तूफान या किसी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आपकी कोई हानि हुई है और आप केस करना चाहते हैं तो आप यहां पर जा सकते हैं, आपको फ्री लीगल एडवाइस मिलेगी और आपको जो लॉयर है वो भी दिया जाएगा। आठवां, जो बंदा ऑलरेडी कस्टडी में है अगर वो अप्लाई करता है वहां पर, तो वहां उसे जो है हेल्प मिलेगी और उसको भी लॉयर प्रदान किया जाएगा उसका केस लड़ने के लिए। जब आप यहाँ पर फ्री लीगल एडवाइस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है और दूसरा, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो कि होता है कि आपका 1 लाख से इनकम कम है,
और तीसरा आपका जो केस है उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट वहां पर देने पड़ते हैं और उसके बाद आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है फ्री लीगल एडवाइस के लिए या फ्री लॉयर के लिए। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप या तो ऑफलाइन जाकर अप्लाई कर सकती हैं या फिर आप ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाएंगे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और सभी जो डॉक्यूमेंट है वो भी वहां पर अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा है आप अपने पास का जो आपका कोर्ट लगता है आप वहां जाकर पता कर सकते हैं कि आपका जो राष्ट्रीय विधिक सेवा केंद्र है वो कहाँ पर है और आप वहां पर जाकर रिटर्न में एप्लीकेशन लिखकर दे सकते हैं या फिर आपको वहां पर एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे आप फिल करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप गूगल कर लीजिए, आपके जो पास का विधिक सेवा केंद्र है वो आपको उसका पूरा एड्रेस आपको गूगल पर मिल जाएगा आपके राज्य में जो भी आपके पास होगा और आप वहां जाकर आप जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक केस था जिसमें कोर्ट ने एक फैसला निकाला था कि अगर पुलिस कभी भी किसी को अरेस्ट करती है तो उस सिचुएशन में तुरंत उसे जो सबसे पास के राष्ट्रीय विधिक सेवा केंद्र है उसमें उसको उसकी सूचना देनी है ताकि जिसे उसने अरेस्ट किया है उसे टाइम से कानूनी हेल्प मिल सके। तो अपने अधिकारों का जो है लाभ उठाइए, अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, मैंने ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और ऑफलाइन का तरीका भी आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ हमारी इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, हम सभी कमेंट का आंसर करते हैं। और हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।